Hello and welcome everyone to our official YouTube channel Education World Gurdaspur. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਊ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜੋ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਫਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ कि जो सरकार ने रिक्रूटमेंट कढ़ी है वो किन्ने कैडर भर्ती है वो क्लोजिंग डेट की सी स्टार्टिंग डेट की सी वो फीस किन्नी है वो वैकेंसीज किन्नी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मंगी है और सिलेक्शन किस तरीके ना होगी स्टार्ट करन जा रहे हैं फर्स्ट सैक्शन के नाल जिहदे विच आपां डिस्कस करांगे कि स्टार्टिंग डेट की सी एग्जाम की स्टार्टिंग डेट जो सी वो 6th of July सी की और 27 July तक ये फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट सी इन टोटल पंजाब पुलिस ने 4 कैडर के भर्ती कढ़ी है डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर आर्म्ड पुलिस कैडर इन्वेस्टिगेशन कैडर एंड पोस्ट ऑफ इंटैलीजेंस ऑफिसर इन इंटैलीजेंस कैडर जिहड़ियां वैकेंसियां ने वो इस प्रकार ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर के 87 वैकेंसियां 87 आम पुलिस कैडर के 97 इंटैलीजेंस कैडर के 87 एंड इन्वेस्टिगेशन कैडर के 289 पोस्ट के भर्ती हो जा रही है मिनिमम एज जो सरकार ने रखी है 18 साल है मैक्सीमम एज 28 साल है तो एज रिलैक्सेशन मिला के मैक्सीमम एज जो किसी कैंडिडेट के लिए है वह 33 ईयरस है एक्स सर्विसमैन भी वैकेंसी फिल कर सकते हैं उन्होंने लिए भी एज रिलैक्सेशन लागू है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर आर्म्ड पुलिस कैडर तो इन्वेस्टिगेशन कैडर के मंगी है वह ग्रैजुएशन किसी भी स्ट्रीम की किसी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी तो होनी चाहिए है नैक्सट जी है वह कैडर है इंटैलीजेंस ऑफिसर सब इंस्पैक्टर पोस्ट के लिए वो ग्रैजुएशन किसी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी के तो नाल दे नाल ओ लैवल सर्टिफिकेट होना भी लाजमी है ओ लैवल सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT जो कि यूनिवर्सिटी है वो तो होना लाजमी है सैकेंड ये या तो यह होना चाहिए या ग्रैजुएशन किसी भी स्ट्रीम दे विच विद कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए एज इलेक्टिव सब्जेक्ट या BSc BTech या बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन IT कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंप्यूटर नेटवर्किंग या डाटा साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या BCA कैंडिडेट ए एग्जाम फिल कर सकते हैं जिहड़ी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन सारे पोस्टां दे लई है वह यह है कि पंजाबी 10वीं क्लास तक होना लाजमी है यानी मैट्रिकुलेशन क्लास तक पंजाबी जी कंपलसरी या इलैक्टिव सब्जेक्ट होना लाजमी है सिलैक्शन प्रोसैस 2 स्टेजेस विच होगा स्टेज 1 दे विच OMR बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा जो 100 मार्क्स का 100 ही क्वेश्चन होंगे टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स की है सैकेंड स्टेज दे विच डॉक्यूमेंटेशन PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड PST फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एप्लीकेशन फीस जो एग्जाम की सी जनरल के लिए 1500 सी एक्स सर्विसमैन कोटा ऑफ पंजाब स्टेट ओनली 700 SC ST 900 इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन के लिए 900 टोटल फीस सरकार ने रखी सी अगली वीडियोज़ दे विच आपां डिस्कस करांगे इन डिटेल सिलेक्शन प्रोसैस किवें होगा ते नाल दे नाल डिस्कस करांगे एग्जाम का सिलेबस की है तद तक दे लई शुक्रिया